प्ले ऑन करें यहां पर। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कोच बॉब बुलमर की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी, संदिग्ध मौत का वर्ल्ड कप कनेक्शन यहां पर। नेक्स्ट, जमैका पुलिस ने पहले मर्डर की जांच के बाद स्वाभाविक मौत करार दे दिया था। आयरलैंड के साथ वर्ल्ड कप मैच के में हार के बाद पाक टीम विश्व कप से बाहर हो गई थी। जमैका में उनके होटल रूम के बाथरूम से उनकी लाश पाई गई थी। इस मौत के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खूनी तक कहा गया था। यह बड़ी दुखद बात थी जो कुछ हुआ था, बट एनीवे ये कहा गया था। आई थिंक ये लाइन हम अवॉइड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप सीधे वो वाला ग्राफिक जो अभी हमने लिया था और शॉर्ट्स के साथ सीधे चले। मेरे साथ और मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखें आप। मेरे साथ जनरल अजय चतुर्वेदी हैं, आप इंडियन टीम के फॉर्मर प्लेयर और विकेट कीपर नयन मुंगिया जी जुड़ चुके हैं। राहुल सारे गेस्ट को दिखाएं, मैं सीधे चलूंगा जनरल चतुर्वेदी के पास। कसुर भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आप तो आर्मी मैन एंड क्रिकेटर बोथ, आप इसको कैसे देखते हैं खबर को? देखिए, ये तो शॉकिंग तो है, और मैं पहली चीज मैं भी उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार को शक्ति मिले, इसी ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन जब तक कोई इसमें खास इंक्वायरी ना हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, लेकिन वो सारी स्पेकुलेटिव होंगी कि क्यों उनकी मौत हुई, किसने मारा, क्या मारा, अगर किसी ने मारा या उन्होंने आत्महत्या की तो क्यों की, या इट्स ए नेचुरल डेथ। ये बहुत ही इसके बारे में भी निशान जी अगर कुछ कहा जाए तो नॉट फेयर टू द गेम, क्योंकि ऐसे लेवल पे बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत है, लेकिन स्पेकुलेटिव को नहीं होना चाहिए। थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए जब इंक्वायरी हो और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। कपिल सर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। मैं इसको बहुत सस्पिशियस होके देख रहा हूँ, क्या आपको लगता नहीं है कि वेरी अनलाइकली मैच शुरू होने से पहले किसी का मृत पाया जाना, हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल नहीं लग रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पेकुलेट करना कि इससे किसका इंटरेस्ट सद रहा था, वो अभी कहना जब तक कि ये ना पता चले कि डेथ क्या है, ये point taken. उनका आत्महत्या है या ये उनकी किसी ने उनको उनके साथ फाउल प्ले किया है या नेचुरल डेथ है, तीन में से एक पॉसिबिलिटी होगी। तो जब तक, मेरा ख्याल है आज शाम तक उनका पोस्टमार्टम हो चुका होगा, तो हम लोग उसके बारे में डेफिनेटिव आर्गुमेंट दे सकेंगे। फेयर इनफ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।